अमेरिका के ह्यूस्टन में 22 सितंबर को आयोजित हाउडी मोदी इवेंट ने पूरी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी। इस मंच से पीएम मोदी ने जहां अमेरिका के साथ मजबूत होते रिश्ते का जिक्र किया, तो वहीं पाकिस्तान को भी दो टूक संदेश दे दिया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का वो भाषण कई कूटनीतिक दाव पेच से भरा हुआ था। जानकारों की माने तो मोदी ने खास तौर पर जिस तरह और जिस अंदाज में कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र किया, वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद मोदी ने अचानक भाषण रोककर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सांसदों के सामने ही भारतीय संसद के लिए खड़े होकर तालियां बजवा दी। इसके साथ ही पाकिस्तान पर एक दूसरा ट्रंप कार्ड यानी अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले और मुंबई अटैक को जोड़कर चला और बिना नाम लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा भी कर दिया। वैश्विक मंचों पर कश्मीर को लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के लिए मोदी के इस कूटनीतिक स्ट्रोक का तोड़ निकालना अब लगभग नामुमकिन हो गया। जानकारों की माने तो पीएम मोदी ने धारा 370 को एक बाधा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 70 साल पुरानी इस बाधा को विदा कर दिया है। घंटों चर्चा के बाद संसद से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद उन्होंने वहां पर मौजूद 50,000 भारतीय समुदाय के लोगों से कहा, मैं आप सबको आग्रह करता हूं कि हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। इसके बाद उनके इस आग्रह के बाद लोग खड़े हो गए और देर तक स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इस मेगा इवेंट में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने 370 हटाने पर भारतीय सांसदों के लिए तालियां बजवाकर अमेरिका ही नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय को भी साफ कर दिया कि ये फैसला देश की सर्वोच्च संस्था ने लिया है। मोदी ये कूटनीतिक दाव पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाने से ठीक पहले चला। इसके अलावा पीएम ने बिना नाम लिए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को धो डाला। पीएम ने कहा कि 9/11 या फिर 26/11 हो, उसे साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं। ह्यूस्टन में पीएम मोदी के इन दोनों दाव से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।